नमस्कार, मैं हूँ डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये बात कर लेते हैं इस वीकेंड शादाब की, जो कि अव्वल नंबर का थर्ड क्लास बकवास। और इस वीकेंड शादाब में महेश मांजरेकर एक होस्ट कम मोहल्ले की चाची ज्यादा लग रहे थे, जो कि यू नो जैसे मोहल्ले की चाचियां नहीं होती हैं, तिल का ताड़ करना, इधर की उधर की बातें करना ताकि लोग आपस में लड़े झगड़े और बाद में बोल करके उठ जाना, चलो बहन हमें क्या करना, हमारा तो बस ऐसे ही बोलने का मन हो गया, हमें क्या मतलब तुम्हारी जिंदगी, हम तो चले हाथ उठाकर। ये जो तेवर थे महेश मांजरेकर के, ये देखकर मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, साथ में बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि यार क्या देखकर एंडेमॉल ने इस इंसान को होस्ट बना दिया। होस्ट ऐसे होते हैं? अरे भैया, होस्ट के नाम पर कलंक है मिस्टर मांजरेकर, इससे ज्यादा और मांजरेकर साहब की होस्टिंग को मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर महेश मांजरेकर साहब ने पता नहीं कितने जन्मों की खुन्नस निकालने की कोशिश की है माधव के साथ। हम इन्हों पिछले कितने ही वीक से देख रहे हैं कि वो अननेसेसरली इस बंदे को एक कंफ्यूज्ड आत्मा का टैग देने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। भाई आपने पूछा आपके इस शो में दो दोस्तों के नाम बताओ, बंदे ने बोला इस शो में मेरे दो दोस्त बने हैं, नेहा और हीना। आपने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो शिवानी तेरी दोस्त नहीं है क्या? सर शिवानी तो मेरी पहले से दोस्त थी। तो मतलब दो लोग के नाम लेने का बोला था, तीन के, अरे मतलब खुद उसको कंफ्यूज कर रहे हो। बंदा एकदम साफ स्पष्ट सीधी बात नो बकवास वाले अंदाज में जवाब दे रहा है, आप अननेसेसरी उंगली कर रहे हो कि शिवानी क्यों नहीं, तीसरा नाम तो आप खुद दे रहे हो ना, फिर आप बोलते हो आंख पर पट्टी बांध के सवाल क्या है जवाब क्या दे रहा है। भाई आप यू नो चरस या गांजा लेकर के आते हो, पता नहीं कौन सा नशा करके आते हो, या आप मतलब मन में ठान के आते ही हो कि इसने मेरी किडनी छील दी है, गुर्दे छील लिए, या पिछले जन्म में कुछ बकाया था तो मैं माधव को है ना भर भर के सुनाऊंगा। गजब बात करते हो यार महेश मांजरेकर साहब, यार एकदम यू नो थर्ड क्लास वाला बिहेवियर ही तो यार। लेकिन जैसा कि आप कहते हो माजी पिच माजा बैट माजी बॉल, तो आई थिंक जैसे अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही मिशन मंगल, तो महेश मांजरेकर साहब ने बहुत दिनों से सोच रखा था मेरा मिशन माधव मैं कंप्लीट करके रहूंगा, तो फाइनली माधव इस शो से इविक्ट हो चुका है। और जिस तरह उसको कंफ्यूज्ड आत्मा का टैग आपने दिया, कहीं ना कहीं उन बातों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑडियंस के जहन में, दिलो दिमाग में। शायद ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन माधव को कंफ्यूज्ड और डम समझता रहा, शायद इस वजह से उसे इस शो से निकाला गया है। इविक्शन माधव का हो चुका है, ऐसी खबर आ चुकी है, रात के एपिसोड में देखेंगे। सो ये वीकेंड शादाब शुरू हुआ, स्टार्ट के 15-20 आई थिंक 21 मिनट तक नेहा माधव शिवानी, नेहा माधव शिवानी, नेहा माधव शिवानी, ऐसा लग रहा था ये बिग बॉस नहीं है, ये तो मतलब यू नो नेहा शिवानी माधव मित्र मंडल समारोह है, जहां पर एक दूसरे के गिले शिकवे दूर किए जा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि मैंने नेहा को जोम्बी बुआ का टैग दिया है। नेहा अपने एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, बालों से, आंखों से, और उसके जो क्लोदिंग है, जिस तरह से कपड़े पहनती है नेशनल टीवी पर, आप देखिए नेहा हम जैसी यू नो गरीब हो तो हम समझ सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं है, आप तो सीक्रेट गेम वेब सीरीज कर चुकी हो, इतने सालों से यू नो एक्टिंग कर रही हो, एक सेलिब्रिटी हो, तो आई थिंक नेशनल टीवी पर खुद को प्रेजेंट करना तो आना ही चाहिए, वो भी तब जब आपके पास डिजाइनर्स की फौज है, तो थोड़ा यू नो ढंग से, भगवान ने शक्ल जैसी दी, शक्ल का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस शक्ल पर एक स्माइल नाम की चीज ला सकते हैं, यू नो नेशनल टीवी पर थोड़ा खुद को प्रेजेंट करें, इस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लाइक जैसे दीपक ठाकुर की गरीबी का मजाक बनाया गया बिग बॉस में, जानबूझकर उसको यू नो अच्छे कपड़े नहीं दिए गए, और वैसे वो शायद अफोर्ड नहीं भी कर सकता था, या फिर यू नो हम जैसे आम लोग जो शायद डिजाइनर क्लोथिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप तो बिग बॉस में आई हो, एक्ट्रेस हो, सेलिब्रिटी हो, तो आई थिंक आप जिस तरह की यू नो झंगर झोले टाइप के पहन के घूमती हो, दैट वो आपकी खूबसूरती में चार चांद ही लगा रहा है, इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। ऐसी खूबसूरती जिसको देख करके ना बड़े बड़े वैम्पायर भी बेहोश हो जाएं। देखिए नेहा के फैंस को बहुत बुरा लगता है जब मैं उन्हें ज़ॉम्बी बोलता हूँ, ज़ॉम्बी ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ज़ॉम्बी कौन होते हैं आपको तो पता ही है ना, ज़ॉम्बी वो होते हैं जो यू नो मौका पड़ने पर अपने आसपास के लोगों को ही खा जाते हैं, उनका खून पी जाते हैं। नेहा ने जिस तरह से यहाँ इस एपिसोड में अपने पिताजी की मृत्यु का जो इंसिडेंट था वो यहाँ पर एक सिंपथी गेन करने के लिए जो यूज किया है, तो आई थिंक ऐसी हरकत कोई समझदार प्राणी या यू नो अच्छे दिमाग वाला, सभ्य संस्कार वाला, सभ्य समाज में रहने वाला इंसान तो ऐसी बात कभी नहीं कहेगा कि मेरे बाप की मौत पर भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ, मैं इतनी हर्ट नहीं हुई जितनी अब हुई हूँ, मेरे बाप की मौत के टाइम तो मैंने यू नो दुख मनाया, नेक्स्ट डे शूट करने चले गए। ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, दैट्स कमांडेबल, बहुत जबरदस्त, लेकिन
इस तरह से जब आप नेशनल टीवी पर बोलती हो कि मेरे बाप की मौत पर इतना हर्ट नहीं हुआ मुझे जितना इन लोगों की बातों पे हर्ट हो गया, मतलब व्हाई दिस कोलावेरी वाला बिहेवियर साबित क्या करना चाहती हो तुम कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा अहमियत इस शो में बने हुए दोस्तों की है कि उनकी बातें आपको इतनी हर्ट कर जाती, उनकी बातों से आप इतनी हर्ट हो गई कि आप ये बोल उठे कि मेरे बाप की डेथ पर मुझे इतना हर्ट फील नहीं हुआ। मतलब अब आप देखिए, फिर ऐसे लोगों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो अपने दोस्तों का क्या होगा और उन फैंस का तो क्या ही हो पाएगा। सो इट्स हाई टाइम ऐसे फैंस जो नेहा के लिए 24 घंटे यू नो डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे टैग कर करके कि नेहा बहुत अच्छी है, ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, अरे जो नेहा अपने बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी। सो ऐसे फेक कंटेस्टेंट को ना किसी तरह की सिंपथी सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, फेक। अभी इस एपिसोड में नेहा का बाहर से आया हुआ दोस्त आरोह बोलता है महेश मांजरेकर के सामने कि नेहा डोमिनेटिव हो सकती है, बहुत यू नो एग्रेसिव हो सकती है, बट ती फेक नहीं है सर, ती फेक बिल्कुल नहीं है, वाह वो फेक नहीं है, वाह। एक तरफ आप कहती हो कि पिताजी की मौत पर मुझे इतना दुख नहीं जितना अब हुआ, वही 5 मिनट में जब लग्जरी बजट आता है आइसक्रीम ऐसे कुछ आया था ना, तो सारा दुख सारी जो टिश्यू में नाक निकाल निकाल के रो रही थी इधर उधर करके सारा दुख चला गया साइड में, वो लग्जरी बजट में आइसक्रीम और वो क्या था कॉफी वो भी चॉकलेट वगैरह देख के, वाह। फिर ऐसे इंसान को आप बोलते हो कि वो फेक नहीं है, ये तो भैया फेकनेस का सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल था कि लग्जरी बजट देखकर सारे दुख भूल गए, सारा रोना भूल गए, गजब। सो लेट्स कट इट शॉर्ट, नेहा अव्वल नंबर की फेक प्राणी है। इस एपिसोड के 20-21 मिनट में नेहा शिवानी माधव ये सर्कल चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब आप देखिए इन लोगों का ये हाल है कि एक दूसरे के साथ रहा भी न जाए सहा भी न जाए, और उसमें शिवानी जो कि बाहर से सब देख कर आई है वो अपना दुखड़ा किसके सामने रो रही है, तात्या बिच्चू के सामने जो भर भर के जहर की उल्टियां करता है, उसके तो सपने में भी सिर्फ और सिर्फ नेहा ही आती है। अगर उसको भगवान सपने में बोलेंगे बोल तुझे कौन सा वरदान चाहिए, तो वो बंदा अपने लिए सपने में कुछ नहीं मांगेगा भगवान से वरदान में, वो तो ये कहे भगवान नेहा को शो से आउट कर दो। भगवान अगर देना भी चाहे कि बोल अपने लिए क्या करोड़ की संपत्ति स्वर्ग की अप्सरा है क्या चाहता है, नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए नेहा को शो से बटा दो। अबे तो शिवानी की समझदारी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वो तात्या बिच्छू जैसे इंसान के सामने अपनी सहेली का दुखड़ा रो रही है, और तात्या बिच्छू तो आपको पता ही है कितना सभ्य और सुलझा हुआ इंसान है, वो तो कभी किसी के इमोशनल चीजों को इस्तेमाल करता ही कहां है। एनीवे ये 20-21 मिनट की शिवानी चालीसा नेहा चालीसा और माधव पुराण खत्म होने के बाद महेश मांजरेकर आकर उसी खत्म हुई पुराण को मोहल्ले की चाची बनकर फिर से शुरू कर देते हैं। तो 21 मिनट वो और 19 मिनट ये 40 मिनट का पकाऊ सेशन चलता रहा एक ही टॉपिक के ऊपर, जबकि इस वीक में इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको टच तक नहीं किया, जैसे कि बायस्ड कप्तानी शिवानी की। हीना पांचाल जो एकदम वल्गर और वल्गैरिटी का प्रदर्शन कर रही थी उसको सिर्फ इतना बोला गया तो बोलते टाइम कॉमा फुल स्टॉप का यूज कर, वाओ ग्रेट अमेजिंग। क्या फिर आप बोलते हो कि मैं तो लास्ट लेट नाइट मीटिंग से 2:30 बजे आया आंखों में तेल डाल डाल के देखा, किसको उल्लू बना रहा है यार महेश मांजरेकर साहब, आप ये सब एपिसोड वगैरह कुछ नहीं देख रहे थे, आपकी बेटी दबंग 3 में आ रही है तो उसकी वर्कशॉप एक्टिंग प्रिपरेशन ये सब चीजों में आपका टाइम स्पेंड आप करते रहते हो, ऑडियंस को बना देते चूतिया कि मैंने 2:30 बजे एपिसोड देखा। सो महेश मांजरेकर यू नो आप दुनिया को बेवकूफ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमें सबको पता है कि आप घंटा कुछ देखकर आते हो, शो में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यू डोंट केयर अबाउट दैट, आप बस एक ही परवाह है आपको कि आपकी बेटी का डेब्यू दबंग 3 में बड़े अच्छे से हो जाए। ठीक है, हम सब खबर रखते हैं बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। शिव जो कि वेल डिजर्व बेस्ट परफॉर्मर था उसको बेस्ट परफॉर्मर का टैग भी दिया गया, साथ ही साथ महेश मांजरेकर का ऐसा था मैं तेरी तारीफ तो करूंगा लेकिन कहीं ना कहीं तेरी ये ना इंसल्ट करने की भी कोशिश करूंगा और कोई मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, तो रोडीज वाले इश्यू पर जबरदस्ती यू नो जबरदस्ती में या मैं आता हूं अंदर क्या करेगा रोडीज हो गए ये वो। यहाँ पर आरोह को बहुत कुछ सुनाया जा सकता था क्योंकि इस टास्क के दौरान आरोह तो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था लेकिन उस मुद्दे को इन्होंने टच तक नहीं किया। शिव ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए एंड आई रियली वांट कि शिव तुम ऐसे ही जवाब दो कि ये सिर्फ रोडीज वाली बात नहीं थी सर, ये उस दौरान नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी बहुत कुछ हुआ, नेक्स्ट डे इसने बोला कि सिर्फ वो बॉडी है सिर्फ हवा भरी है इसके अंदर कुछ नहीं है, तो बहुत सारी बातें थी जिसके ऊपर शिव का गुस्सा फट पड़ा था। तो शिव ने यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिए जस्टिफाई किया।
सो यार शिव ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन महेश मांजरेकर ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। वो हीना का जो वल्गैरिटी वाला प्रदर्शन था उसको कुछ नहीं बोले। आरोह जिसने टास्क में एकदम जंगली पने की हदें पार कर दी, वो यहाँ पर सबको कहता है कि सब अपने अपने तरीके से खेलो, लेकिन आपने देखा था टास्क के दौरान वो खुद कितना बोलता था लोगों को, ए ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। फिर इवेंचुअली इस एपिसोड में बोलता है कि सर सबको अपने अपने तरीके से खेलना चाहिए, किसी को किसी का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ओहो वाह क्या बात है, कितना कॉन्ट्राडिक्ट करते बेटा। इन तमाम बातों के बीच में एक बात मुझे अच्छी लगी, इनफैक्ट एक नहीं एक दो टॉपिक थे जो कि बहुत अच्छे लगे, जैसे कि रूपाली को स्पोक पर्सन वाला टैग, मैरी हैड अ लिटिल लैम। आई थिंक मैरी हैड अ लिटिल लैम से बहुत बढ़िया एग्जांपल महेश मांजरेकर, वो जो वोडाफोन का एड नहीं आता था, ग्रीन ग्रास ब्लू स्काई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड यू एंड आई, वो जो एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से प्यारे से अपने डॉगी के साथ जाता रहता है, जहां जहां बच्चा वहां वहां उसका डॉगी। तो यह छोटा बच्चा है शिवानी, डॉगी है उसकी पिल्ली। पिल्ली अब क्या है भैया, देखो हम भेदभाव नहीं करते कंटेस्टेंट में, अगर हमने शिव को बोला था वीना का पालतू पिल्ला, तो हम यहाँ रूपाली को भी बोलेंगे शिवानी की पालतू पिल्ली। शिवानी बोल देगी इधर, तो रूपाली इधर। और घमंड और लड़की का कॉन्फिडेंस देखो भाई, नहीं सर अजीब बात नहीं सर, मैं ऐसी नहीं हूँ सर, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ सर, ना मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ सर, मैं ऐसा नहीं करती, नहीं नहीं। जब शो का होस्ट महेश मांजरेकर जो कि बाहर से आकर वही चीज कह रहा जो कि करोड़ों लोग देख रहे हैं कि शिवानी की हाँ में हाँ मिलाती है ये रूपाली, मैंने तो खुद इसको हमिंग बर्ड बोला था कि शिवानी जो बोलती है हो करती रहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो गजब लेवल का, झूठ बोलती नहीं सर मैंने ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं सर मैंने कोई तीली बिली नहीं लगाई शिव में, अरे सबने देखा यार तुम ही इंस्टिगेट कर रही थी, आग में घी तो तुम्ही ने डाला था, फिर बात बोलती नहीं सर। तो यहाँ रूपाली को माचिस तिल्ली आग लगाने वाली स्पोक पर्सन ये जो टैग दिए गए, हमिंग बर्ड तो खैर उन्होंने बोला नहीं, ये तो मैंने टैग दिया था हमिंग बर्ड। तो यहाँ जिस तरह रूपाली को एक्सपोज किया गया वो बहुत अच्छा था, शिवानी जिस तरह से वो बर्तन बर्तन के टाइम पर ये नॉमिनेटेड है घर जा, लेकिन जब शिवानी को पलटकर कोई बोलता है तो शिवानी के गुर्दे छिल जाते हैं, शिवानी सर तेरे औकात कैसे मेरे को बोलने की। तो यहाँ पर शिवानी को एक यू नो छोटा सा आईना दिखाया गया, जबकि शिवानी के जो बड़े बड़े कांड थे इस वीक में उनको तो टच भी नहीं किया। हाँ उसे इतना जरूर बोला गया कि ये जो टास्क के दौरान जो तुम रोई थी, रोने धोने की कोई आवश्यकता थी नहीं, ये चीज तो यार हम भी कह रहे हैं ना, रोने धोने की कोई जरूरत थी नहीं। अगर आपको इतना हर्ट हो रहा था जैसा कि महेश मांजरेकर ने बोला, अगर तुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो टूथपिक्स की जो नुकीला हिस्सा वो किशोरी जी या बाकी इन सबको पीठ में हर्ट होगा लगेगा, तो अपनी टीम वालों को बोलना था ना हट जाओ उठ जाओ मत करो टास्क, लेकिन ना हम नहीं करेंगे भैया, हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा त्रिय चरित्र दिखाने के मौके कैसे मिलेंगे हमको, हम खुद कूदेंगे WWE की स्टाइल में झपा झप करके छई छपा छई हट जाओ बे 70 किलो गाई, क्या बोलते उसको एल्बो से मारते तो कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं WWE में यार, कुछ तो बोलते हैं यार उसको, वो जब रिंग पे खड़े कैसे कूदते हैं, ऑल्दो वो भी पूरा फिक्स्ड ही रहता है WWE। एनीवे यहां शिवानी को आईना दिखाया गया कि तू दूसरों को बहुत चिल्लाती सामने वाले को, जब सामने वाला बोलता है तो तू भांडण मीन आर्ग्यूमेंट वगैरह करना शुरू कर देती है। सो बेसिकली यही सब रहे हैं, किशोरी जी को अप्रिशिएट भी किया गया, उन्होंने बहुत अच्छा इस पूरे वीक में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, शिव के कंपैरिजन में अच्छा नहीं रहा, शिव तो दी बेस्ट रहा है, उसका जो जेल पे की उस पे लटक के जो उसने किया था उसको स्पेशल मेंशन दिया इन्होंने। और आई थिंक शिवानी को आज बीना और हीना दोनों ने ही खरा जवाब दिया कि ये तो बोलती है सबको, लेकिन जब इसको कोई बोलता है तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं, और वीना ने आई थिंक यहाँ बहुत अच्छे तरीके से शिवानी को आईना दिखा दिया। अब शिवानी इसका पलटवार कल करेगी जब वो कान फाड़ टास्क होगा। लेटर ऑन इस एपिसोड में आपने देखा भी टास्क के दौरान जब ये बहुत वाइल्ड होती है, मान्य नहीं और ये सब, जब नेहा को फीडबैक दिया जा रहा था कि तुम बहुत घटिया खेली, तो एज ऑलवेज जोम्बी टाइप का फेस बना के सॉरी सर आई एम ची चूक झाली, हम तो ऐसे ही करेंगे क्या, मैं मेरे बाप के टाइम पे ऐसी नहीं हुई, तू कौन होता है, ये सब क्या है भैया, इनके परमानेंट यू नो डायलॉग बन चुके हैं, रट चुके हैं, कुछ हो वीकेंड पर ओ सर आई एम सॉरी सर आगे से शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैं ज़ॉम्बी हूं। सो इस एपिसोड को ओवरऑल एक कंक्लूजन दू तो यू नो कुछ खास नहीं था, एकदम ऊंची दुकान फीका पकवान। माधव तो खैर अब शो से इफेक्ट हो ही चुका है, बट उस बेचारे के साथ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुन्नसी वाला व्यवहार कर रहे थे मिस्टर मांजरेकर, उन्होंने ये बात अपने ईगो पर ले रखी थी कि मिशन मंगल जैसे कामयाब रहा मैं मिशन माधव को एग्जीक्यूट करके रहूंगा बढ़िया तरीके से, और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल हो गए हैं। आप अपने ओपिनियन इस बारे में भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ,
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।